नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती नीलकंठ ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए अति विशेष है। तुला राशि वाले व्यक्तियों का फरवरी 2022 का मासिक राशि फल मंथली प्रिडिक्शन, ये फरवरी 2022 का पूरा महीना आपके लिए कैसा रहेगा, ग्रहों का गोचर, ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगा। दोस्तों, सारे ग्रह नवग्रह अपने गति के अनुसार चलते रहते हैं, राशि परिवर्तन करते रहते हैं और हम सभी व्यक्तियों के जीवन पर उसके प्रभाव पड़ते हैं। राशि के अनुसार, हमारे लगन के अनुसार, हमारे जन्म कुंडली के अनुसार हमको उसका परिणाम मिलता रहता है। कभी हमारा दिन, कभी हमारा महीना बहुत अच्छा होता है, कभी परेशानियों से भरा हुआ होता है, कभी हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कभी बहुत अच्छा रहता है, कभी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, कभी डाउन होता है, कभी करियर में नेम फेम मिलता है तो कभी डाउनफॉल हो जाता है। तो ये सब ग्रहों के इफेक्ट हमारे जीवन पे पड़ते रहते हैं। तो आज हम सभी विषय पर चर्चा करेंगे आपकी राशि के अनुसार कि फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या बदलाव लेकर आएगा। सभी विषय पर, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस और फाइनेंस, ये सभी विषय पर आज हम जानेंगे क्या बदलाव आपको मिलने वाले हैं, क्या सावधानी आपको रखनी है, क्या उपाय आपको करने चाहिए। दोस्तों, फरवरी के महीने में सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे। 13 फरवरी को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में जाएंगे और मंगल और शुक्र दोनों 27 फरवरी को धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो चलिए जानते हैं, करते हैं शुरुआत। आपकी राशि के अनुसार ग्रहों की पोजीशन कुछ इस प्रकार से रहेगी। सेकंड हाउस में रहेंगे आपके केतु, आपके एट्थ हाउस में रहेंगे राहु, थर्ड हाउस में रहेंगे मंगल के साथ में शुक्र, आपके फोर्थ हाउस में रहेंगे सूर्य, बुध, शनि और पंचम भाव में रहेंगे आपके देव गुरु बृहस्पति। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, कहते हैं ना कि स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ, सबसे प्रथम निरोगी काया, उसके बाद घर में माया। तो स्वास्थ्य, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शुक्रदेव थर्ड हाउस में जाकर बैठे हैं, मंगल के साथ में युति बना रहे हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य पर विशेष आपको ध्यान रखकर चलना होगा। वो क्यों? क्योंकि राशि के मालिक शुक्रदेव एक तो शत्रु के घर में बैठे हैं, देव गुरु के घर में, ऊपर से शत्रु के साथ में बैठे हैं मंगल के, और ऊपर से थर्ड हाउस में जाकर बैठे हैं, यानी कि बिना वजह का चिंता, तनाव, सरदर्द होना, हेडक होना, माइग्रेन की प्रॉब्लम आना, सर्वाइकल की प्रॉब्लम आना, बैक पेन होना, डाइजेशन में प्रॉब्लम आना, कफ कोल्ड होना, इस पर विशेष आपको ध्यान रखकर चलना ही होगा, खासकर 25 फरवरी से पहले पहले। उसके बाद आपकी शिक्षा कैसी होगी, आपकी एजुकेशन कैसी होगी। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट फॉर एजुकेशन, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं शनि, जो कि जाकर बैठे हैं कहां पर, फोर्थ हाउस में, अपने से 12वें घर में जाकर बैठे हैं शनि, साथ में सूर्य भी है। दोस्तों, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना आपको, क्योंकि शनि के साथ में सूर्य, शनि के साथ में सूर्य, साथ में बुध, देवगुरु पंचम भाव में आपके मन में आइडियाज तो बहुत सारे आएंगे कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं बीएड करना चाहता हूं, मैं बीटेक करना चाहता हूं, मैं एमबीए करना चाहता हूं, लेकिन एक मन पर आप नहीं रहेंगे, यानी कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगी। कहते हैं कि अगर दोनों नाव में पैर रखकर चलेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसलिए अपने मन को फोकस बना के रखें, एक चीज पर ही पूरा स्टेबल होकर आप काम करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी देखी जाएगी, क्योंकि पंचम भाव में गुरु आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा पढ़ाई के क्षेत्र में। वही लव रिलेशन की अगर मैं बात करूं आपके, तो पंचम भाव में गुरु, आपके डिजायर्स बहुत रहते हैं अपने लव रिलेशन में, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते, और फरवरी का महीना कुछ ऐसा ही रहेगा। शनि के साथ में सूर्य, जो आपके लाइफ पार्टनर है ना, उनको टेस्ट मत करिएगा और ना ही उन पर कुछ गलती निकालिए, मतलब गलती नहीं निकालनी है आपको उन पर, नहीं तो वो आपके ऊपर भारी पड़ सकती है, क्योंकि शनि के साथ में सूर्य, उनका एटीट्यूड और उनकी वे ऑफ टॉकिंग में अग्रेशन देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है लव रिलेशन में, खासकर 13 फरवरी से पहले। उसके बाद आपका मैरिड लाइफ कैसी होगी। सेवंथ हाउस होता है मैरिड लाइफ, सेवंथ हाउस के मालिक बनते हैं मंगल, जो कि शुक्र के साथ में बैठे हुए हैं। मैरिड लाइफ तो आपकी अच्छी रहेगी, मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन छोटी छोटी चीजों पे कमी निकालना, आप और आपके लाइफ पार्टनर दोनों ही
बिना वजह की बातों पे आर्ग्यूमेंट हो सकती है, लेकिन मैरिड लाइफ में कोई बिना वजह के तनाव नहीं दिख रहे हैं, अच्छी रहेगी, एक दूसरे को समझेंगे भी, एक दूसरे के साथ में सपोर्ट भी करेंगे, एक दूसरे को एडवाइस भी देंगे और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी देखी जाएगी, लेकिन बस बिना वजह के आर्ग्यूमेंट से बचकर रहना होगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय पर आ जाते हैं दोस्तों, आपका भाग्य, आपका करियर। कहते ना कि भाग्य सबसे महत्वपूर्ण है, मेहनत परिश्रम कर्म तो सब करते हैं, लेकिन अगर भाग्य साथ देता है तो मेहनत हमारी रंग लेकर आती है, अगर भाग्य हमारे साथ में होता है तो मेहनत का फल हमको अच्छे से मिलता है। भाग्य के मालिक कौन है आपके? भाग्य के मालिक है बुध ग्रह और करियर के मालिक है चंद्रमा। भाग्य के मालिक जो बुध हैं, वो कहां जाके बैठे हैं? फोर्थ हाउस में, केंद्र में, अच्छी जगह पर बैठे हैं, और चंद्रमा हर सवा दो दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। दोस्तों, एक कामयाबी के नए ऊंचाई पर जाने का मौका आपको प्राप्त होगा, क्योंकि बुध केंद्र में है, शनि के साथ में बैठे हैं, जो कि अनएम्प्लॉयड है उनको नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना है आपको, विशेष ध्यान रखना है, अपनी जिद पर कंट्रोल रखना है, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि शनि और सूर्य साथ में है, शनि की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ रही है, शनि की ढैया भी अभी चल रही है आपकी, तो पॉलिटिक्स में ना तो पढ़ना है और जो पॉलिटिक्स कर रहा है वहां से भी दूर हो जाना है, क्योंकि आप खुद भी पॉलिटिक्स कर सकते हो किसी दूसरे के ऊपर और वो आपको ही परेशानी में डाल सकती है। हालांकि भाग्य आपका साथ देगा, काम करने में आपका ना कभी कभी मन नहीं लगेगा, फरवरी के महीने आपको ऐसा लगेगा कि ये जो मैं काम कर रहा हूं इसका फायदा क्या है, इसका फायदा कुछ है या नहीं है, तो फायदा आपको नहीं दिखेगा। लेकिन भाग्य आपका साथ देगा, जो अनएम्प्लॉयड है उनको नौकरी मिलेगी, एमएनसी कंपनी में नौकरी मिलने की संभावनाएं अच्छी है, व्यापार करते हैं तुला राशि वाले व्यक्ति तो व्यापार में तरक्की बहुत अच्छी देखी जाएगी। लेकिन जैसा कि धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है और पॉजिटिविटी को साथ में लेकर चलना है। और स्पेशल दोस्तों, अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, लोहे से रिलेटेड काम करते हैं, मशीनरी से रिलेटेड काम करते हैं, वाटर लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, ये सारे काम में आपको फायदा देखा जाएगा फरवरी के महीने। और इसके साथ टेक्निकल से रिलेटेड या फिर कंस्ट्रक्शन जैसे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी काम करते हैं, वहां पर आपको फायदा होगा। ऑयल एंड गैस में आपको फायदा होगा, टूर एंड ट्रेवल वाले काम में आपको फायदा होगा। क्या अचूक उपाय आपको करने चाहिए? सबसे पहले दोस्तों, सूर्य अस्त हो जाने के बाद चंद्रमा का बीज मंत्र आप जरूर करें। चंद्रमा का बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम स्रोम स चंद्रमसे नमः 108 बार। और दूसरा, शनि के बीज मंत्रों का जाप भी आपको करना है, ओम प्राम प्रेम प्रोम स शनिश्चराय नमः 108 बार। ये दोनों बीज मंत्र अगर आप करते हैं, आपका करियर, आपका मन डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, फोकस अच्छे से होगा और इम्यून सिस्टम अच्छा देखा जाएगा। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।